वहीं उत्तराखंड में 14 जुलाई को होने वाले पीसीएस भर्ती परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए पौड़ी में एडिशनल एसपी जया बलूनी ने जिले के समस्त पुलिस अधीक्षक, थाना कोतवाली और पुलिस कर्मियों के साथ बैठक ली और उन्होंने निर्देश दिए कि पीसीएस भर्ती परीक्षा को शांतिपूर्ण निर्देश से संपन्न करवाएं। इसके लिए परीक्षा केंद्र के बाहर कड़ा पहरा देकर निकल विहीन परीक्षा संपन्न करवाने के लिए भी कहा गया और इसके लिए कोई धांधली ना हो, इसके लिए सतर्कता बरते, इसके लिए भी कहा गया। इसके साथ ही एडिशनल एसपी ने बैठक के दौरान मॉनसून सीजन को लेकर भी पुलिस कर्मियों को चौकन्ना किया और सतर्क रहने के निर्देश दिए। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। ये जो इस समय पर मानसून का सीज़न चल रहा है और लगातार येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट भी आ रहा है, इस संबंध में सभी थानाध्यक्षों को बताया गया है कि कोई भी ऐसी सूचना होगी तो उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे, तत्काल मौके पर पहुंचेंगे। साथ ही साथ जो अभी कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है उसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ परसों हमारे यहाँ पर पीसीएस की परीक्षा भी है जिसमें कि पौड़ी, कोटद्वार और श्रीनगर में सेंटर्स हैं, तो उसको लेकर भी चेकिंग फ्रिस्किंग भी की जाएगी और जो होटल ढाबे हैं वहाँ की चेकिंग की जाएगी और साथ ही साथ जो भी बाहर के लोग आके रुके होंगे उनको भी चेक किया जाएगा। और 14 तारीख को जिस दिन परीक्षा है उस दिन सभी लोग जिनको भी प्रभारी बनाया जाएगा वो अपने क्षेत्र में भ्रमण में रहेंगे।